अनाउंस होने वाले हैं, और उससे पहले प्राइमरी अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज करना पूरी तरीके से गैर कानूनी है और गैर लोकतांत्रिक है। हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कल इलेक्टोरल बॉन्ड्स को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक घोषित किया है, और कल सबसे पहली बार सबको पता चला कि इस इलेक्टोरल बॉन्ड के सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कहां भारतीय जनता पार्टी को करीब 6,566 करोड़ रुपए बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों से मिले, और कहां वहां पे आम आदमी पार्टी को मात्र 94 करोड़ रुपए मिले। एक तरफ 94 करोड़ है, एक तरफ 6,566 करोड़ है। हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करेंगे कि वे डिक्लेयर करें कि कौन कौन से कॉरपोरेट हाउसेस, कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ये पैसा दिया, क्या भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और उनकी राज्य की सरकारों ने इन कॉरपोरेट घरानों को किसी ना किसी तरीके से फायदा पहुंचाया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को नैतिकता पर इस चीज को डिक्लेयर करना चाहिए। आतिशी जी अपनी बात आपके सामने रखेंगे। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का, यूथ कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, इसमें एक पैटर्न दिख रहा है, एक डिजाइन दिख रहा है कि केंद्र सरकार अपनी एक एक एजेंसी को विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। पहले ईडी और सीबीआई के नोटिस भेजे जाते हैं, एक के बाद एक हर विपक्ष पार्टी को भेजे जाते हैं। कभी आम आदमी पार्टी को भेजे जाएंगे, कभी कांग्रेस पार्टी को भेजे जाएंगे, कभी टीएमसी को भेजे जाएंगे, कभी एनसीपी को भेजे जाएंगे, कभी डीएमके को भेजे जाएंगे। एक के बाद एक ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरोज के माध्यम से विपक्ष की पार्टियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, उनके नेताओं को जेल में भेजा जाता है। उसके बाद अब ये दूसरा कदम है। पहले तो आपने पार्टियों को डराया, धमकाया, उनके नेताओं को जेल में भेज दिया, तो पार्टियों के अब नेता उपलब्ध नहीं है। और दूसरा कदम इन विपक्ष की पार्टियों को रोकने के लिए, उनके नेताओं को तो आपने जेल में डालकर चुनाव लड़ना मुश्किल कर ही दिया, अब आप उनके पास जो भी चुनाव लड़ने के लिए पैसा है उस पैसे को भी अब आप फ्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आज कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि अगले 15 दिन में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले और विपक्षी पार्टियों के साथ भी ऐसा होगा। चाहे आम आदमी पार्टी का अकाउंट फ्रीज होगा, टीएमसी का अकाउंट फ्रीज होगा, डीएमके का अकाउंट फ्रीज होगा, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। यह साजिश सिर्फ विपक्षी पार्टियों के खिलाफ नहीं है, यह लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है, यह चुनाव के खिलाफ साजिश है। एक समय ऐसा होता था जब बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से इलेक्शंस को रिग किया जाता था, और आज एक समय ऐसा आ गया है कि इलेक्शंस को रिग किया जा रहा है विपक्षी पार्टियों को खत्म करके। आप मुझे बताइए कि अगर किसी पार्टी के सारे नेता जेल में होंगे और सारे बैंक अकाउंट फ्रीज होंगे तो कोई पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी? अगर उनके लिए कोई प्रचार करने के लिए नहीं है, प्रचार पे खर्चा करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो कोई भी विपक्षी पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती है। तो आज कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट फ्रीज करके भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ एक विपक्षी पार्टी पे हमला नहीं किया है, उन्होंने इस देश के लोकतंत्र पे हमला किया है, और हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। देखिए, आपने अभी झारखंड में तो देखा ही है,
कि मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना एक अलग नैरेटिव था और उस गिरफ्तारी के नाम पे झारखंड की सरकार गिराना, उसके पीछे एक अलग साजिश चली। गवर्नर दो दिन तक बुला नहीं रहे थे, उनके परिवार के अंदर झगड़ा कराया गया, बहुत कुछ देखा हमने। तो मुख्यमंत्री जी ने ज़रूर कुछ सोचा होगा, जिसलिए उन्होंने आज दिल्ली विधानसभा के स्पीकर साहब को कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए अपनी रिक्वेस्ट भेजी है, और मुझे लगता है वो अपनी बात कहेंगे। नहीं, हमारे साथ तो पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। हमारे साथ तो पहले ही जो है, हमारे जो पार्टी के अकाउंट्स हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स जो है कई बार, कई सालों से जो है इन्वेस्टिगेशन चला रहा है, हमारे लोगों को बुलाते रहते हैं। तो हमारे पीछे तो पहले पड़े हैं, कांग्रेस के पीछे तो अब पड़े हैं।